अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, रामानुजन आचार्य और ना जाने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और ग्रेट पर्सन, पर आपने कभी सोचा है कि ये सब अपने काम में इतने फोकस कैसे रहते थे? इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। पर आपने कभी सोचा है कि उसमें आप इतने फोकस कैसे रहते हो? डोपामिन के कारण से, राइट? पर उससे ज्यादा अगर मैं आपको कहूँ तो वीडियो में साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, एडिटिंग और उससे भी मैं स्क्रिप्ट। पता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो अभी आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ। इस चैलेंज में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 30 सेकंड तक बिना इधर उधर देखे हुए आपको एक कैरेक्टर में फोकस करना है। हो सकता है इस चैलेंज में आप में से बहुत सारों ने तो इंटरेस्ट ही नहीं दिया होगा, या तो वो स्किप कर दिए होंगे, और कई सारों ने तो हमारे वीडियो को क्लोज करके और वीडियो देखने चले गए होंगे। पर जिन्होंने भी ये चैलेंज 30 सेकंड तक बिना स्किप किए हुए देखा है उनको कांग्रेचुलेशन, आप इस सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में नहीं फंसे हो। पर आपने सोचा कि मैं आपको ये करवा क्यों रहा था? याद है कुछ टाइम पहले मैं तो वीडियो में साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, एडिटिंग और उससे भी मेन मैंने साउंड इफेक्ट म्यूजिक की बात किया था। और जब मैंने आपको 30 सेकंड का चैलेंज दिया था उस क्लिप में ना तो कोई साउंड इफेक्ट था, ना कोई वॉइस, ना कोई म्यूजिक, क्योंकि ये सभी चीज आपको विजुअली थिंक करने के लिए हेल्प करता है और जिससे आपका डोपामिन रिलीज होता है। कटिंग के इंट्रो में मैंने आपसे कुछ कहा था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम बताए थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो आखिर अपने काम में इतने फोकस कैसे रहते थे। सबसे पहले मैं आपके इसके बारे में और कुछ बताऊं, आप पहले ये देखो, ये वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे चीजों में रिसर्च करके उनका इन्वेंशन किया है। लेकिन अभी आप इनका इन्वेंशन डेट देखो, ये सभी 1997 से पहले ही इन्वेंट हुए। और 1997 ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1997 में सोशल मीडिया का इन्वेंट हुआ था, जिसके कारण पहले के टाइम में जो लोग अपने काम में उतने फोकस होते थे वो आज के टाइम में नहीं है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1997 के बाद कुछ इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। 1997 के बाद भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए, लेकिन उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही हुए। आपने इस चीज के बारे में बहुत सारे निंजा एंड सीनियर से सुना होगा, थ्राक मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में होता क्या है कि आपको एक मोमबत्ती के थोड़े से डिस्टेंस में रखकर आपको उसके फ्लेम में फोकस करना होता है। और उस टाइम में लोग इस चीज को 30 मिनट है उससे भी ज्यादा टाइम तक करते थे, जो कि एक बेस्ट वे इंक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकसिंग स्किल। लेकिन आज के टाइम में लोगों को अपने मोबाइल से ही टाइम नहीं मिलता है। जो कल आपका एग्जाम है और आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ने के लिए बैठते हो, लेकिन यहाँ सब तो ठीक था, लेकिन अचानक से आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप कोई काम कर रहे होते हो और काम करते समय आपके पीसी में लोडिंग होने लगता है, विद इन 5 सेकंड आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है और आप अपने रील्स देखने लगते हो। लेकिन पता नहीं वो कैसे आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है और आप उसमें टाइम स्पेंड करने लगते हो। पर आखिर ये होता क्यों है? सिंपल सा अगर आपको मैं आंसर दूं तो वो है डोपामिन, क्योंकि डोपामिन इज इक्वल टू द फोकस। और वही जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आपको ना चाहते हुए भी आपको ब्रेन आपको वो डोपामिन रिलीज करवाने के लिए कुछ देर के लिए रील्स दिखाने लगता है। और यदि आप उसको रील्स दिखाने के लिए सक्षम ना हुए तो आपको विजुअली रील्स क्रिएट करके दिखाने लगता है। और बाकी जो पूरे दिन मोबाइल में अपने बैठे रहते हो उनको तो पता ही होगा कैसे उनका 1 मिनट 1 घंटा में बीत जाता है। तो क्या आपको मोबाइल चलाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपको अपने ब्रेन को ही फोर्स करना है कि वो मोबाइल ना चलाए। बहुत सारे क्रिएटर्स से ये कहते तो सुना होगा, आप इतने दिन तक चैलेंज कर लो आपका मोबाइल यूज आप कम करने लगोगे। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सभी आपका मोबाइल यूज घटाने से ज्यादा आपको बढ़ा देंगे, क्योंकि जब आप 30 डे नो सोशल मीडिया चैलेंज करते हो तो उसके पहले दिन आपको थोड़ा बहुत तो मोबाइल चलाने का मन करता है। लेकिन जब आप 30 डे में पहुंच जाते हो आपका मोबाइल एडिक्शन तो कम हो जाता है, लेकिन 31 डे के बाद आप फिर से मोबाइल चलाने लगते हो। उस टाइम जब आप मोबाइल चलाने लगोगे तो आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा डोपामिन मांगेगा, जिसके कारण आप फिर से वही साइकिल में आके अटक जाओगे। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज कम कर सकते हो तो मैं आपको कहूंगा मत करो, बल्कि आपके ब्रेन को फोर्स करो कि वो मोबाइल अवॉइड कर दे। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं डेली 5 घंटा मोबाइल चलाता हूं तो उसमें से मैं आधा घंटा हटा दूंगा, मतलब कि अब मैं 4 आवर्स चलाऊंगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन फिर से वो आधा घंटा मोबाइल चलाने के लिए फोर्स करता है तो आपको पूरे 5 घंटा चलाना है। लेकिन उस 5 घंटे के लास्ट के 30 मिनट में आपको कोई गेम खेलना है, लेकिन ये गेम कोई आपको फ्री फायर या BGMI जैसे ऑनलाइन बैटल नहीं होना चाहिए, कोई एक सिंपल सा गेम खेलना, जैसे कि सौ सबर से। अब ये गेम में होता कि जब आप गेम खेलते हो तो आपका एक ही मकसद होता है, जैसे भी करके सामने वाले ओपोनेंट को हराओ। और जब आप अपने ओपोनेंट को हरा दोगे या हार जाओगे तो 90% चांस है कि आप वो गेम फिर से नहीं खेलोगे। अगर खेलोगे भी तो 3 या 5 बार से ज्यादा आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि उतने टाइम तक आपका ब्रेन बोर होकर मोबाइल को ही छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा यदि आपने मोबाइल का वाईफाई ऑफ किया है तो।